सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यूज़ पढ़ेंगे हम, तीन चार यूज़ कहाँ कहाँ पर इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है। ओके सो उससे पहले मैंने कल वाला वीडियो में बता दिया हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एंड उसमें मैंने सारे स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एंड इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी क्या रहता है, और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये सब मैंने वहाँ पर बता दिया हूँ। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, उसको देखकर ये आइए, ये सेकंड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखिए, आज मैं यूज़ बताऊंगा इसका कि कहाँ कहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। ओके उससे भी पहले हम ये सारे वर्ड्स देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस के साथ यूज़ होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज़ होता है। येट मीन्स अभी तक, ठीक है, एंड एज येट भी अभी तक ही होता है। सो फार, सो फार मीन्स अब तक, जब तक, एवर सिंस, अब से, अब से या तब से भी इसका मतलब होता है हिंदी में। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मतलब पहले से ही। ठीक है, जस्ट मीन्स अभी, जस्ट नाउ अभी अभी, एंड प्रेजेंट भी अभी भी होता है, प्रेजेंट एट द मोमेंट। ठीक है, वंस, एक बार, ट्वाइस, इस तरीके का ये एडवर्ब्स, ठीक है, आप लोगों को यूज़ करना रहता है। ये इसको हम टाइम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये टाइम बताता है कौन सा टाइम पे हुआ है। सो ऑब्वियसली ये सारे प्रेजेंट टाइम को ही दर्शाता है, सारे वर्ड्स जो है। ठीक है, ये सारे एडवर्ब्स, ये टाइम एक्सप्रेशन सारे प्रेजेंट टेंस को ही दर्शाते हैं। तो ये था आपका कुछ वर्ड्स, ओके, जिसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आपको यूज़ करना है, तभी जाके आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक परफेक्ट सेंटेंस बनेंगे। ओके, ये टाइम एक्सप्रेशन भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, इसको कैसे चलाना है। ठीक है, सो आज मैं बताऊंगा आप लोगों को यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, पहला यूज़ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया हूँ आप लोगों को कि नंबर वन पे देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है ना, वो क्या बताता है, टू डिनोट एन एक्शन। ठीक है, एक एक्शन को दर्शाता है विच हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड, वो अभी अभी हुआ हो। यहाँ पर देख सकते हो आप, आई हैव सॉल्व टू क्वेश्चन सो फार, सो फार मीन्स अब तक। ठीक है ना, अब तक आपने, मैंने क्या कर चुका हूँ, मैं दो क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अब देखो ये टाइम बताता है, टाइम कब बताता है, मैं मानकर चलो कि आप ये पास्ट में मतलब अभी प्रेजेंट से कुछ समय पहले आप क्या कर रहे थे, क्वेश्चन सॉल्व करने आप बैठ गए यहाँ पे। ठीक है, सॉल्व करने बैठ गए और वो काम करते करते आकर प्रेजेंट में यहाँ पर आपने जस्ट, ठीक है ना, प्रेजेंट में जस्ट उसको क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। ठीक है ना, वो कार्य अभी अभी फिनिश हुआ है। ठीक है, तो पास्ट में आप मीन्स प्रेजेंट से कुछ समय पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए थे और वो काम प्रेजेंट में आकर अभी अभी जस्ट खत्म हुआ हो। आई हैव सॉल्व टू क्वेश्चन सो फार, अब तक आपने क्या कर लिया हो, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए अभी अभी। ठीक है ना, इस तरीके का एक्शन जो होता है ना, जो एक्शन अभी अभी ख़त्म होता है, उस चीज़ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, टू डिनोट एन एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन कम्प्लीटेड, जो अभी अभी ख़त्म कर लिया। जैसे आप कुछ समय पहले खाना खाने बैठ गए थे, खाना खाकर अभी आ गए और आपको बताना है, वो समय बताना है, तो आप कैसे बताएंगे, आई हैव हैड माई लंच, आई हैव ईटन माई लंच जस्ट नाउ। ठीक है ना, जस्ट नाउ। तो इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट का पहला यूज़ ये होता है। ओके, आई गेस आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में हमें कि जो एक्शन जो होता है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, माय ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम मुंबई प्रेजेंटली। अब चलो, आपका भाई जो था वो कुछ पास में, ठीक है ना, कुछ समय पहले मुंबई से चला था, ठीक है ना, चला था, और यहाँ प्रेजेंट में वो अभी अभी पहुँचा है। ठीक है ना, अभी अभी यहाँ पर रिटर्न हुआ है। ठीक है ना, माय ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम मुंबई प्रेजेंटली। अब वो प्रेजेंट में अभी अभी यहाँ पर क्या है, लौटा है। ठीक है ना, तो ऐसे जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ हो, ठीक है, उस सेंस में, ठीक है ना, उस पॉइंट पे, उस टाइम पे हमें, इस सेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा यूज़ है कोई भी एक्शन, ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करता है, कोई भी ऐसे कार्य को ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेस करता है कि जो पास्ट में ही वो एक्शन हो चुका है। ठीक है ना, पास्ट में ही वो एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन और वो पास्ट में शुरू हुआ एक्शन अभी तक चल रहा हो। ठीक है ना, वो एक्शन अभी तक चल रहा हो, जैसे कोई काम पास्ट में हुआ हो, ठीक है, यहाँ पर पास्ट में हुआ हो, वो चलते चलते अभी तक प्रेजेंट में हो और वो आगे भी जाएंगे वो। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ हो और वो चलते चलते और आगे भी जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया हूँ मैं आप लोगों को, आई हैव नोन, ठीक है, आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स। देखो, अब मैंने उसको, ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, और मैं उसको, ठीक है ना, कोई मेरा दोस्त है, ठीक है ना, उसको मैं कितने साल से जानता हूँ, 3 साल से, 3 ईयर्स से, ठीक है ना, 3 साल से
तीन साल से जानते हो, इट मीन्स जो मेरा उस दोस्त के साथ पहचान जो है वो कितने साल से, तीन साल से, तीन साल आगे से, उतना पास से है, ठीक है ना, वो एक्शन जो है पास में ही शुरू हो चुका है, ठीक है ना, और वो मैं उसको अभी तक भी जानता हूँ, और वो जानने का काम जो है, कार्य जो है वो आगे भी जाएंगे, ठीक है ना, आगे कंटिन्यू भी होगा। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स, मैं उसको कितने साल से जानता हूँ, तीन साल से, तीन साल आगे से मतलब तीन साल पीछे, ठीक है ना, उतना पास से, तीन साल पास्ट मैं उसको, मैं से उसको मैं जानता हूँ, और अभी तक भी जानता हूँ, और आगे भी उसको पहचानूंगा। कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी तक चल रहा हो, ऐसे सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, आई नो, आई हैव नोन हिम फॉर 3 ईयर्स, मैं उसको तीन साल से जानता हूँ, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल बताता हूँ इसी को, जैसे वी हैव लिव्ड हियर फॉर, ठीक है, वी हैव लिव्ड हियर फॉर 10 ईयर्स। देखो अब हम, हमारे जो यहाँ पर रहना जो हैव लिव्ड मतलब जो हम यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं, 10 साल से रह चुके हैं, ठीक है ना, जो यहाँ पर हमारा रहने का, रहने वाला जो काम है वो कितने साल पहले शुरू हुआ है, 10 साल पहले, 10 ईयर पहले, ठीक है ना, उतने पास्ट में शुरू हुआ है, और वो अभी तक हम प्रेजेंट तक भी क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो एक्शन जो है ये एक्शन 10 साल से चल के आ रहा है, और वो आगे भी जाएंगे, फ्यूचर में भी जाएंगे, ठीक है ना, जो आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है, जैसे हम यहाँ पर 10 साल से रह चुके हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है ना, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, अब देखो, अब तीसरा यूज़ क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, एग्जांपल देखते हैं। कोई भी एक्शन, ठीक है, कोई भी एक्शन बार बार रिपीट हुआ हो अभी तक, ठीक है ना, मतलब पास्ट में हम कोई बार दो तीन बार कर चुके हैं, ठीक है ना, ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। जो एक्शन बार बार रिपीट हुआ हो अभी तक, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे वी हैव बीन टू लंडन 3 टाइम्स, ठीक है, वी हैव बीन टू लंडन 3 टाइम्स। अब यहाँ पर देखो, ये जो हमारा लंडन जाने का काम है कितने बार रिपीट हो चुका है, 3 बार रिपीट हो चुका है, ये सुनो, है ना, कोई एक्शन बार बार रिपीट हुआ हो, ठीक है ना, अभी तक कितने बार, 3 बार रिपीट हो चुका है, जो हम लंडन, जो हम लोग लंडन गए कितने बार गए, 3 बार, 3 बार गए अभी तक, ठीक है ना, पास्ट में हम 3 बार लंडन जा चुके हैं, और वो एक्शन जो है अभी तक कुल मिला के कितने बार, 3 बार हम जा चुके हैं। तो ऐसे एक्शन जो पास्ट में हुआ हो और वो अभी तक क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, ठीक है, तो ऐसे सेंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, वी हैव बीन टू लंडन 3 टाइम्स, हम कितने बार लंडन जा चुके हैं, 3 बार लंडन जा चुके हैं, ठीक है, वी हैव, यहाँ पर बीन का मतलब होता है गॉन, वी हैव गॉन टू लंडन 3 टाइम्स। ओके, आज के लिए इतना ही, बस 3 यूजेस, ठीक है, आप लोग इसको बार अच्छे से देखिए और इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इस लेसन को, ताकि वो लोग भी इस लेसन से कुछ फ़ायदा उठा पाए। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।